हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिश किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सिंपल एंड इजी रेसिपी, मकई का ढोकला, जो कि सर्दियों में मकई का आटा खाया जाता है। तो आज मैंने मकई का ढोकला बनाया है। इसके लिए मैंने लिए है मटर, जो मैंने चॉप कर लिए हैं बारीक, और उसके बाद लिया है मैंने हरा लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, और यहाँ आटा लिया है गेहूँ का, तेल 2 चम्मच और मकई का आटा। अब मैं एक बाउल में इन सबको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। यहाँ मैं डाल रही हूँ मकई का आटा। गेहूँ का आटा जो कि 2 चम्मच मैंने लिया है। हरी मिर्च, मटर, स्प्रिंग ऑनियन, हरा प्याज और हरा धनिया, नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालनी है अपने, और लाल मिर्च, हल्दी, और यहाँ मैंने दिया है सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है नॉर्मल, और यहाँ ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ मैं, और यहाँ पानी लिया है 1/2 कप मैंने। अब इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी से एक आटा गूंद लेंगे, मतलब डो बना लेंगे। ये आटा गूंद चुका है, बहुत ही इजी रेसिपी है। यहाँ मैंने इडली मोड लिया है, जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। मैं थोड़ा सा हथेली पर ऑयल लगा लूँगी ताकि बनाते वक्त ये चिपके नहीं और इजीली बन जाए। अब ये बॉल्स बना लेंगे, हम बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे, और बीच में से मैं होल कर लूँगी, जैसे वड़े में होल करते हैं ना छेद, वैसे ही इसमें होल कर देना है। आप और भी मसाले इसमें डाल सकते हैं, अदरक है, लहसुन है, अगर आप खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और स्पाइसी इसको इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। ये देखिए, इसी तरह से हमको बनाना है, शेप देना है इसको। हल्का सा मैंने प्रेस कर दिया है। ये मैंने बना लिए इसी तरह से, और यहाँ मैंने स्टीम के लिए रख दिया है। ये हमारे स्टीम हो गए हैं और मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे बने हैं, और है ना, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ कैसे भी खा सकते हैं इसको। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।